हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लिक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट है आप, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग वेरियस टाइप की होती है, यानी इवेंट को लेकर होती है, फंक्शन को लेकर होती है, एक्सीडेंट को लेकर होती है, इंसिडेंट को लेकर होती है। तो हम टाइप देखेंगे रिपोर्ट के कितने होते हैं। आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब कंपोजिशन में आते हैं यानी रचनाओं में आते हैं। तो ये राइटिंग स्किल का आपका जो सेक्शन है उसमें आएगा, यानी आपके पेपर में जो राइटिंग स्किल वाला सेक्शन रहेगा उसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग से होता है। तो आज के वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, आप इस वीडियो के एंड तक रिपोर्ट राइटिंग करना सीख जाएंगे। साथ में लास्ट में आपको होमवर्क के लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसको भी आपको जो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, किसके अंदर ही आता है। आप सभी ने कंपोजिशन सुना होगा। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, यानी हम जो भी लिखते हैं कंप्रेहेंशन के बेसिस पर, यानी समझ के आधार पर, या फिर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके आधार पर, वो सभी कंपोजिशन होता है। इसमें हमें हमारे आइडियाज़ को पुट करना होता है, हमारे विचारों को पुट करना होता है, जो वर्बल इनपुट्स या विजुअल इनपुट्स हमें दिए होते हैं। वर्बल इनपुट्स क्या होते हैं, विजुअल इनपुट्स क्या होते हैं, हम अभी समझते हैं। लॉन्ग कंपोजिशन यानी लंबी रचनाएं, इसमें आपका रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों आ जाते हैं। आर्टिकल रिपोर्ट में सिर्फ इतना अंतर है कि आर्टिकल आपका प्रेजेंट या फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं, ये भी पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग पास्ट में आती है, जो घटना, जो इंसिडेंट, जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट एंड डिस्क्रिप्शन तैयार करना होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो घटना या इवेंट या फंक्शन हो चुका है उसके बारे में यदि आप लिखेंगे तो उसको पास्ट में लिखेंगे। तो बस आपको इसको पास्ट टेंस में लिखना होता है, यही समझना होता है। यहाँ पर टू टाइप ऑफ कंपोजिशन यानी लॉन्ग कंपोजिशन यहाँ पर दो तरह के हमने लिखे हैं। एक आपका कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड को ही आप गाइडेड कंपोजिशन कह सकते हैं। और ये जो कंट्रोल और गाइडेड कंपोजिशन होते हैं, इसमें रिपोर्ट भी आ जाती है और आर्टिकल भी आ जाते हैं। लेकिन हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आर्टिकल भी कंट्रोल्ड और गाइडेड हो सकता है। यानी लॉन्ग कंपोजिशन में दोनों आते हैं, रिपोर्ट और आर्टिकल, और ये दोनों को हम दो तरीके से लिख सकते हैं या दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप है कंट्रोल गाइडेड कंपोजिशन, यानी रिपोर्ट या आर्टिकल आपसे कंट्रोल और गाइडेड के रूप में पूछा जा सकता है। क्या होता है कंट्रोल, यानी आपको जो भी कंपोजिशन यानी रचना करनी है, जो आप लिखने जा रहे हैं, उसके लिए आपको वर्बल इनपुट्स दिए रहेंगे। आपको कुछ वर्ड्स में पॉइंट वाइज 1 2 3 ABCD ऐसे करके कुछ आपको इनपुट्स दिए जाएंगे, जो कि कैसे रहेंगे, वर्ड्स के रूप में। इसलिए इनको लिखा है वर्बल इनपुट्स, यानी शाब्दिक इनपुट आपको दिए रहेंगे, उनके आधार पर आपको जो है उस रिपोर्ट को या उस आर्टिकल को लिखना है। विजुअल इनपुट यानी जैसा कि देख पा रहे हैं कि देख कर, यानी कोई इमेज या पिक्चर आपको दे दी जाएगी, उस पिक्चर को समझ कर आपको लिखना है। जैसा कि 10th क्लास में आपने पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में लिखे होंगे, उसी को यहाँ पर विजुअल इनपुट्स कहा है। अगर जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है उसमें वर्बल इनपुट्स और विजुअल इनपुट्स ना हो और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब फ्री कंपोजिशन है। आप फ्री है उसको अपने आइडियाज़ के आधार पर लिखने को लेकर, और ये भी रिपोर्ट हो सकती है और आर्टिकल भी हो सकता है। समझ में आया, रिपोर्ट आर्टिकल दो तरह के होते हैं। कंट्रोल गाइडेड यानी आपको कंट्रोल में होकर और आपको निर्देशित किया जाता है, उसके आधार पर लिखना होता है। निर्देशित आपको दो तरीके से किया सकता है, या तो आपको वर्बल इनपुट दिए जाएंगे या विजुअल इनपुट दिए जाएंगे, या फिर ये दोनों नहीं रहेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इस फॉलोइंग टॉपिक पर एक कंपोजिशन यानी कि रिपोर्ट लिखना है या आर्टिकल लिखना है। फिर आप फ्री है अपने आइडियाज़ को लिखने के लिए इस रिपोर्ट में, क्योंकि इसका नाम ही फ्री कंपोजिशन है। लेकिन हमारे CBSE पैटर्न में या MP बोर्ड में या किसी बोर्ड में अब आपको जो पूछा जाता है वो कंट्रोल या गाइडेड कंपोजिशन में वर्बल इनपुट्स वाला पूछा जाता है, ठीक है। अब फ्री कंपोजिशन नहीं पूछा जाता है। यहाँ देखिए, जब हम रिपोर्ट राइटिंग करें तो आर्टिकल को हम हटा देते हैं। हमने तो सिर्फ ये देखा था कि आर्टिकल भी कंट्रोल्ड होता है और फ्री भी होता है। वैसे रिपोर्ट राइटिंग में आप देखिए टाइप ऑफ रिपोर्ट, कितने टाइप यहाँ पर रिपोर्ट के हैं। आप इंसिडेंट, किसी घटना जो आपके सामने घटित हुई हो, या आप विटनेस्ड हो, या आप जानते हो, उसके बारे में लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में लिखोगे तो आप पास्ट टेंस में लिखोगे। क्लियर हुई बात। यदि मुझे आर्टिकल लिखना होता तो आर्टिकल किस में हो जाएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में, क्योंकि हम उसे बताते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं। हम पास्ट में उसमें क्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये रिपोर्ट है पास्ट टेंस में आएगी, तो आपको इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज, वर, हेड, हेड भी इनका यूज़ आप कर सकते हैं। पैसिव वॉइस आप इसमें बीच में यदि यूज़ करेंगे एक दो लाइन लिखने में तो और बेस्ट रहेगा। इन दोनों बातों के अलावा आपको और कोई बात याद नहीं रखना है कि कौन से टेंस का यूज़ करना है। पास्ट टेंस का और पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट कितने टाइप की होती है, इंसिडेंट यानी घटना पर आधारित, और यहाँ पर एक्सीडेंट यानी दुर्घटना पर आधारित। क्या हो सकती है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, डिवास्टिंग फायर एक्सेट्रा, यानी ये सब क्या है, घटना है, इंसिडेंट है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, डिवास्टिंग फायर यानी ह्यूज
जो फायर यानी आग लग गई है, रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, उसके बारे में इवेंट क्या हो सकते हैं, एक टाइप तो आपका रिपोर्ट का ये हो सकता है, और सेकंड टाइप ये हो सकता है कि इवेंट, कोई इवेंट हुआ, कोई फंक्शन हुआ या कोई कैंपेन है, ये आयोजित हुए थे, इनके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। तो ये इन इलेक्शन सीन पर हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप पर हो सकता है, NSS कैंप पर हो सकता है, सेनो टू पॉलीथीन बैग्स, ये कैंपेन हो गया, इनोग्रेशन सेरेमनी एक्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक जो है इवेंट, फंक्शन या कैंपेन में आते हैं, और कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक आते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जो है इन इलेक्शन सीन पर कंट्रोल्ड गाइडेड यानी वर्बल इनपुट जिसमें दिए रहेंगे उसकी रिपोर्ट लिखकर सिखाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है। आपने रिपोर्ट राइटिंग देखा होगा कि एक बॉक्स बना होता है, उसमें आपकी एक रिपोर्ट लिखी होती है। आपको बॉक्स नहीं बनाना होता है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है कि आपको इस सीमा में या इस दायरे में लिखना है। आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो 200 वर्ड्स तक हो सकती है, स्टार्ट आपको करना है 150 वर्ड्स से लेकर, ये 200 तक जा सकती है, ये 250 वर्ड्स तक जा सकती है, डिपेंड करता है यदि आपको क्वेश्चन बताया या नहीं बताया। सबसे पहले फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर हेडिंग लिखना है। हेडिंग में जो आपका टॉपिक रहेगा, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप पर आप लिख रहे हैं, रोड एक्सीडेंट तो रोड एक्सीडेंट लिख रहे हैं। आपको यहाँ पर लिखना है मान लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो आप ये लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स आर्टिकल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में महत्व बताएंगे, तो आप पास्ट टेंस में नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग हो सकती है कोई भी जो इंसिडेंट या इवेंट या फंक्शन हुआ है उसकी। फिर आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, इसमें आप बाय आपका नाम, किस नाम से आपको लिखना है वो नाम आपका दिया रहेगा, रोहन, राधा, आप क्या है रिपोर्टर, ये भी आपके क्वेश्चन में रहेगा। यदि नहीं रहता है तो फिर भी आपको हेडिंग के नीचे बाय आपका नाम तो लिखना ही है, लेकिन क्वेश्चन में नाम के अलावा दिया है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो आपको डेजिग्नेशन भी लिखना है कि आप रिपोर्टर है। वो डेजिग्नेशन या तो आप रिपोर्टर हो सकते हो किसी कंपनी के थ्रू, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप लिख सकते हैं, किसी एनजीओ के थ्रू आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जो कि आपका स्कूल है इसके थ्रू आप लिख सकते हो। तो यदि क्वेश्चन में दिया है तो वो नाम यहाँ पर आएगा, जैसे कि रिपोर्टर किसका, हिंदुस्तान टाइम का। यदि आप रोहन है, एक स्टूडेंट है, आपके स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो। तो फॉर्मेट ये होती है। यदि कुछ नहीं दिया है तो आप यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे और बाय करके अपना नाम लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर आप प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ से आप लिख रहे हैं, और जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट आएगी। डेट लिखने के फॉर्मेट आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में आपको जैसे 20 नवंबर लिखना है तो यहाँ पर 20 नवंबर 2023 इस तरह का आपको फॉर्मेट यूज करना है, आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। अब ये आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है, तो आपके पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। सबसे पहले आप जिसके बारे में आपने हेडिंग लिखी है उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा, यानी उसके बारे में आप जानकारी देंगे कि क्या हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कि रोड एक्सीडेंट हाउ यानी कैसे हुआ है, व्हेन यानी कब हुआ है, वेयर यानी कहाँ हुआ है। ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, किस किस के बीच में हुआ, कार ट्रक के बीच में या फिर कार या बाइक के बीच में, ये आपको बताना है। देन आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, यानी आपको वहाँ पर मेन कंटेंट बताना है कि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर एम्बुलेंस आती है, इंजरीज होती है, कैजुअल्टीज होती है, डेथ वगैरह हो जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ये सब लिखना है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ यानी फिर आपको लास्ट में बताना होता है कि उनको जो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और पुलिस ने केस क्या कर लिया, उनके फाइल उनका अगेंस्ट फाइल कर लिया, ये सब आपको बता के कंक्लूडिंग यानी एंड करना होता है और पैराग्राफ के रूप में लिखना होता है। हेडिंग बाय करके आपका नाम, डिजिग्नेशन और आप कहाँ से लिख रहे हो, किस संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, क्या आपका इंस्टीट्यूट है, प्लेस आएगा, डेट आएगी, डेट का फॉर्मेट बता दिया, पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर आपको 1 or 2 बॉडीग्राफ, एक या दो बॉडी पैराग्राफ आपको लिखने हैं, एक भी चलेगा, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, यहाँ देखिए रिपोर्ट राइटिंग यानी जो कि लॉन्ग कंपोजिशन में आता है, यहाँ पर कंट्रोल्ड और गाइडेड जो कि वर्बल इनपुट्स, ये क्या, देखिए वर्बल इनपुट्स और विजुअल इनपुट्स हमने लिखे थे। यहाँ देखिए आपको क्या करना, ये क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लू, यानी इन क्लू की मदद से, और ये क्लू आपके कैसे वर्बल वर्ड्स के रूप में दिए हैं, इन वर्बल इनपुट्स जो कि आपको दिए हैं इनके क्लू के आधार पर आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ राइट अप, यानी आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। और क्या आपका हेडिंग या क्या आपका टॉपिक रहेगा इन इलेक्शन सीन पर। अब इलेक्शन सीन पर आप लिखेंगे तो सही, लेकिन अब जब आपको यहाँ पर कंट्रोल कर दिया गया है कि आप इन इन पॉइंट्स को ध्यान रखकर लिखेंगे, इन वर्बल इनपुट्स को ध्यान में रखकर आपको लिखना है, इसलिए आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, जिसे हमने अभी देखा था कि इंट्रोडक्शन लिखना है, 1 or 2 बॉडी पैराग्राफ लिखना है, कंक्लूडिंग लिखना है। तो वो हो गया जब आपको फ्री कंपोजिशन दिया जाए या आपको गाइडेड या कंट्रोल दिया जाए, दोनों कंडीशन में लागू होगा, लेकिन अब आपको इनका ध्यान रखकर ही लिखना होगा।
प्री कंपोजिशन में क्या है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन, दे दिया आपको टॉपिक, क्या दे दिया कि इलेक्शन सीन पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। तो बस जैसे भी हमने बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 1 या 2 पैराग्राफ, और कंक्लूडिंग लिखना है अपने समझ के आधार पर, तो आप उसमें लिख देंगे। लेकिन जो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको कंट्रोल और गाइडेड वर्बल इनपुट्स दिए हुए हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखकर लिखना है। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन हमने आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन वही था तो हम इसको देख लेते हैं जैसे कि ये, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लू, इन क्लू के आधार पर आपको क्या करना है, इलेक्शन सीन पर राइट अप यानी रिपोर्ट लिखना है। पहले आपको दिया हुआ है लॉन्ग क्वे ऑफ पीपल, आपको दिख रही है एक लंबी लाइन लोगों की, वोटर्स की, ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन सीन या आप जब जाएंगे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर तो आपको लंबी लाइन दिखेगी। पोलिंग ऑफिसर रहेंगे उनके बारे में लिखना है, पोलिंग एजेंट्स जो कि उस सिटी या उस विलेज एरिया के होते हैं जो कि गाँव वालों के द्वारा उस पार्टी से बिठाए जाते हैं अनदर साइड पर। इनडेलिबल इंक होती है अमिट स्याही जिसको आपकी जो इंडेक्स फिंगर पर लगाया जाता है। ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होती है जिससे कि वोट डाले जाते हैं बटन दबाकर। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिखकर रिपोर्ट को स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन। आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ सीधा ऐसा लिख सकते हैं एन इलेक्शन सीन। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होगा कि हेडिंग हो गई है। अभी मैंने कहा था कि आपको लिखना ज़रूरी है ये किसने लिखी है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, दीपक जायसवाल। आप लिख रहे हैं तो आपका नाम लिख देंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको दिया रहेगा तो आपको नाम लिखना है। अगर कोई डिजिग्नेशन जैसे आप रिपोर्टर बताया आपको तो आप यहाँ आगे लिख सकते हो अ रिपोर्टर, लेकिन नहीं दिया तो आप इसको यहीं पर क्लोज कर सकते हो, आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। फिर मैंने यहाँ कहा था कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डेट और प्लेस। तो सबसे पहले आप प्लेस लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं इंदौर से लिख रहा हूँ या भोपाल से लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंदौर, ये हमारा प्लेस हो गया। फिर हमें डेट लिखना है, डेट लिखने के लिए आपको डेट नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज 24 नवंबर है 2023 यानी 2023। देन आप यहाँ पर ऐसे कोलन लगाएंगे, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन वाला, लेकिन जो हमारे वर्बल इनपुट्स दिए हुए हैं, वर्बल इनपुट्स क्या थे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है उनको। सबसे पहला आपका पॉइंट था वहाँ पर लॉन्ग क्वे ऑफ पीपल, ये आपका पहला वर्बल इनपुट्स का पॉइंट था, इसको हमें ध्यान में रखकर ही इंट्रोडक्शन को लिखना है। यहाँ पर हमें कंट्रोल कर दिया गया, गाइडेड कर दिया गया है, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप देखेंगे वहाँ पर कि इन फ्रंट ऑफ पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के सामने आपको लंबी लाइन दिख रही है लोगों की, पॉइंट क्लियर हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ पोलिंग बूथ देयर वाज अ लॉन्ग क्वे ऑफ वोटर्स, या फिर आप यहां लिख सकते हैं पीपल, कि वहाँ पर लॉन्ग क्वे ऑफ पीपल या वोटर्स था, ये हमारा पहला पॉइंट था और वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन फ्रंट ऑफ पोलिंग बूथ देयर वाज लॉन्ग क्वे ऑफ वोटर, यानी पोलिंग बूथ के सामने क्या थी, लंबी लाइन थी वोटर्स की। मैंने यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ किया है क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो पास्ट टेंस में होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। किसी भी टॉपिक पर हो पैसिव वॉइस का यदि आप यूज़ कर लेंगे इसमें एक सेंटेंस का तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट कवर होता है। हमारा जो अगला पॉइंट था वो था कि आप वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर्स दिखते हैं, कौन दिखते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स। ये मैं आपको वर्बल इनपुट्स लिख के बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में थे, आपको इसको इसमें लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। तो क्या लिखेंगे आप वहाँ पर, कि वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर थे, तो कहाँ पर, इनसाइड द पोलिंग बूथ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन आप इसमें थोड़ा इसको और बढ़ा भी सकते हैं कि ये जो लोग हैं लंबी लाइन, ये क्या कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए, क्यों, क्योंकि इनको वोट डालना था। तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं तो इतना भी है कि लाइन थी आप यहीं पर उसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये वोटर्स क्या कर रहे थे, वेटिंग
फार देयर टर्न टू गो इन। ये जो वोटर्स थे वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का, क्या करने के लिए, अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर जाकर ये क्या करेंगे, वोट डालेंगे। देन पोलिंग ऑफिसर थे, तो फिर क्या हमें ऐसा बताना होगा, क्या बताना होगा, इनसाइड द बूथ, यानी कि उस बूथ के अंदर कौन कौन थे, इनसाइड द पोलिंग बूथ, हमारे पोलिंग बूथ में पोलिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है PO। तो हम लिखेंगे कि इनसाइड द पोलिंग बूथ देयर वर अ कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर एंड अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, PO, एक ही होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसलिए हमने लिखा है एक ही है। और यहाँ पर कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर यानी P1, P2, P3 ऐसे कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर होते हैं, तो पोलिंग ऑफिसर वहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही है। ये कहाँ रहेंगे, ऑन वन साइड, एक साइड ये होते हैं और इनके सामने अनदर साइड पर कौन होते हैं, अनदर साइड पर होते हैं पोलिंग एजेंट्स। तो हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट था ना वो यही था कि आपको वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स भी दिखते हैं, कौन दिखते हैं, पोलिंग एजेंट्स। तो ये वाला पॉइंट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो एक साइड तो आपके क्या हो गए, एक साइड आपके हो गए पोलिंग ऑफिसर एंड अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और नेक्स्ट वाली साइड में क्या रहेंगे आपके, कुछ आपको पोलिंग एजेंट्स दिखेंगे वहाँ पर, सम पोलिंग एजेंट्स ऑन द अदर। यानी ये जो पोलिंग एजेंट्स है वो आपको इन पोलिंग ऑफिसर के सामने देखेंगे, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो गांव का व्यक्ति या लोग या सिटी के लोग आ रहे हैं वो वही है जिनको जानते हैं, क्योंकि वो गांव के या उसी एरिया के रहेंगे तो उनको जानेंगे। तो ये यहाँ पर आपके थ्री पॉइंट्स कवर होते हैं, मैं उनको इरेज कर रहा हूँ। आपका फोर्थ वाला जो पॉइंट था वो था आपका इनडिलीवरिंग, क्या था, इनडिलीवरिंग, और इसके बाद था आपका EVM मशीन। तो पहले इस पॉइंट को कवर करेंगे हम। तो होता क्या है कि यहाँ पर इनसाइड द पोलिंग बूथ यानी पोलिंग बूथ के अंदर आपको पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स देखते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये वोटर्स का नाम चेक करते हैं वोटर लिस्ट में, और उसके बाद में इनडिलीवरेबल इंक उनके इंडेक्स फिंगर पर लगा देते हैं। तो हम इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन करेगा ये काम, पोलिंग ऑफिसर करेंगे, द पोलिंग ऑफिसर वाज, पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, चेकिंग देयर नेम इन, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं देयर नेम की जगह वोटर नेम, वाज चेकिंग वोटर नेम इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में उनका नाम चेक करते हैं, देन क्या करेंगे, एंड मार्किंग इट उसमें मार्क कर देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति यही है। देन क्या होता है, देन वो पोलिंग ऑफिसर बोलता है कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, एंड डिमांडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कोई ना कोई आपसे डिमांड करते हैं कि आप यही व्यक्ति है, एंड डिमांडिंग, जैसे आपको ऐसा लग रहा है यहाँ देखने पर कि चेकिंग वोटर्स नेम इन वोटर लिस्ट, एंड यहाँ पर दिख रहा है, एंड यहाँ पर दिख रहा है, तो इस एंड को हटा दीजिए, यहाँ पर हम कोमा यूज कर सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, कि वोटर लिस्ट में पहले नाम चेक करते हैं, फिर मार्किंग इट करते हैं, निशान लगाते हैं, फिर डिमांड करते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फिर यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इनडिलीवरिंग का भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ,
अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो सम पोलिंग ऑफिसर है अदर, वो क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इनडेलिबल इंक को उनके इंडेक्स फिंगर पर, जो कि लेफ्ट हैंड की होती है। तो ये हमें लिखना है, तो जो हमें दिया है उसके आधार पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज को एड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो चुका है, मतलब अभी और बचा है लेकिन ये वाला पेज एंड हो चुका है। हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमारा काम हो चुका है किसका, वोटर लिस्ट में नाम चेक हो चुका है हमारा कंप्लीट। उसके बाद में डिमांड हो चुकी है, हमने बता भी दिया, आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड हमने दिखा दिया है। अब सब हम दूसरा जो दूसरे हैं, अब एक पोलिंग ऑफिसर जो वहाँ पर है उन्होंने तो ये काम कर दिया, तो दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे, अदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अदर पोलिंग ऑफिसर। वाच पुटिंग, ये क्या कर रहे हैं, इंडेबल लिंक लगाएंगे, वाच पुटिंग एन इनडेलिबल इंक मार्क, यानी इनडेलिबल इंक का जो मार्क है, ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। जो अदर पोलिंग ऑफिसर है वो पुट कर रहा है एन इनडेलिबल इंक को, मार्क को, किस पर, ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो इंडेक्स फिंगर किसकी, इंडेक्स फिंगर ऑफ वोटर, तो आप वोटर कर सकते हैं, या फिर इंक मार्क ऑन वोटर्स इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वोटर, जैसे कि यहाँ पर ये छूट गया है, ऑन वोटर इंडेक्स फिंगर, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऑन वोटर्स इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, जो कि लेफ्ट हैंड होती है। अब क्या लिखना आगे, हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है ईवीएम मशीन का। तो ये सब सारी प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो बोलता है कंप्लीट है, तो फिर उसको भेजा जाता है उस वोटिंग बॉक्स में वोट डालने के लिए। देन आ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर एक ही, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देन अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर आस्क्ड, पास्ट टेंस रहेगा वर्ब के सेकंड फॉर्म में, आस्क्ड हिम या फिर आस्क वोटर टू गो इन द वोटिंग बॉक्स। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनसे वोटिंग बॉक्स में जाने के बोलते हैं, इन द वोटिंग बॉक्स। देन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर आस्क वोटर टू गो इन वोटिंग बॉक्स, वोटिंग बॉक्स में जाने को कहते हैं, वो ऐसा बॉक्स बना होता है उसमें, वहाँ पर क्या करते हैं, वेयर, वहाँ पर पहले से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंप्लीट करके रखते हैं, वेयर ही हैड, फिर पास्ट टेंस है, ही हैड रेडीड क्या कंप्लीट करके रखते हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फॉर हिम टू वोट, उन लोगों के लिए क्या करने के लिए, वोट करने के लिए। अब क्या होता है, ये लोग अंदर जाएंगे, द वोटर, तो हम एक वोटर एक एक करके जाएगा, तो एक ही वोटर लिख रहे हैं, द वोटर वेंट इन, वोटर अंदर जाता है, एंड प्रेस्ड, इसके बाद क्या करता है, बटन दबाता है, प्रेस्ड द बटन ऑफ हिज चॉइस, उसकी उसकी पसंद की जो है बटन, जिसको उसको वोट डालना है वो दबाएगा, हिज चॉइस एंड लेफ्ट द बूथ। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट राइटिंग एंड इलेक्शन बूथ की कंप्लीट होती है। एक बार यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में
रिपोर्ट उन इलेक्शन सीन लिखेंगे या फिर इलेक्शन सीन लिखेंगे किसके द्वारा, यदि डेजिग्नेशन दी हुई तो डेजिग्नेशन लिखेंगे और वो कहाँ काम करता है, अगर पेपर में काम करता है उस पेपर का नाम, या फिर पेपर में काम नहीं करता किसी ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है किसी एनजीओ से लिख रहा है तो उसका नाम। फिर यहाँ पर हमने लिखेंगे यहाँ पर ये नाम क्या हो गया आपका, ये हो गया प्लेस और ये आपकी हो गई डेट। देन यहीं से लिखेंगे, इसके नीचे से भी लिख सकते हैं। पहले मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन वाला जो है आपका पैराग्राफ होता है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन, यहाँ पर पोलिंग बूथ रखा हुआ है। फिर हम इंट्रोडक्शन देंगे वन आर टू बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, तो यहाँ सारे इंट्रोडक्शन हो गई, पोलिंग ऑफिसर वगैरह सब। लेकिन ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे वर्बल इनपुट जो कि हमारे यहाँ पर दिए हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, देखें आप यहाँ पर ये सारे वर्बल इनपुट्स हैं जो मैंने एक एक करके आपको लिखे थे उधर, इनको ध्यान में रखकर हमने लिखा है। लेकिन इंट्रोडक्शन वाले वही सब पैराग्राफ आएंगे, तो यहाँ पर हमने इनके बारे में लिखा। फिर सम पोलिंग एजेंट जो कि सामने बैठे होते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है, ये पोलिंग ऑफिसर हो गया। पोलिंग एजेंट्स अदर साइड बैठे होते हैं, उसका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ चेक करते हैं। फिर जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो वोटर में नाम चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। देन हमने लिखा इंडेलिबल इंक वाला ऑप्शन था तो हमें ऐड करना पड़ा, अदर पोलिंग ऑफिसर वाज पुटिंग एन इंडेलिबल इंक, ये कंप्लीट हो गया। फिर सारी बातें समाप्त हो गई। फिर हमारे दो पॉइंट यानी लास्ट का ईवीएम वाला पार्ट बचा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसको हमने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। एक तरीके से ये जो आपका हो गया एक कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ हो गया, जो लास्ट वाला जो हमने अभी देखा था कि लास्ट में कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ आएगा वही हो गया। इसके पहले वाला आप ये मान सकते हैं कि वन आर टू बॉडी पैराग्राफ है, और सबसे स्टार्टिंग में आप ये मान सकते हो कि हमारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ था। ये इस तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, जो आपको इनपुट्स दिए रहेंगे उनको ध्यान में रख कर आपको लिखना है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग में कोई इशू होगा, ये छोटी गलतियाँ मुझसे हो सकती है, तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट ये रिपोर्ट लिख के लेके आया हूँ। रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन आर इलेक्शन सीन बाय रणदीप, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जो कि यहाँ पर दिया हुआ है नाम दिया हुआ है, अगर इसके आगे ऐसा लिखा होता अ रिपोर्टर तो यहाँ पर आता अ रिपोर्टर, फिर आगे लिखा होता फ्रॉम फ्री प्रेस या हिंदुस्तान टाइम तो यहाँ लिखा होता हिंदुस्तान टाइम, नहीं है तो डायरेक्ट नाम लिख देंगे। देन यहाँ पर ये आपका हो गया प्लेस, ये आपकी हो गई डेट, और यहाँ से हमने इन फ्रंट ऑफ पोलिंग बूथ दरवाजा लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर जो मैंने लिखा वही लिखा है। वहाँ पर आपके दो पेजेस लगे थे, ये आपका लगभग 150 वर्ड्स में कंप्लीट हो रहा है, या 200 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, इसमें इंट्रोडक्शन वन आर टू बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ इन्वॉल्व होना चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखकर जो कि सिलेक्शन में वर्बल इनपुट्स दिए थे। वर्बल इनपुट्स के आधार पर ही आपको रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग अब आते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यू आर रोहन, आप कहाँ रहते हैं, रेसिडिंग एट 12 रूप रंग कॉलोनी दमोह में MP, यू हैव विटनेस्ड, आप विटनेस्ड है किसके, रोड एक्सीडेंट के, ये हटा लेना। राइट अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर के लिए 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स की रिपोर्ट है यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, इन डिटेल्स को फॉलो करके। अब ये डिटेल्स कैसे दिख रही है आपको, वर्बल इनपुट्स है ये सभी, है ना, मतलब फिर हमको कंट्रोल या फिर गाइडेड जो है कंपोजिशन दिया है, और ये कंपोजिशन क्या है, रिपोर्ट है, कहाँ लिखा है, रिपोर्ट लिखना है। तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी रोड एक्सीडेंट, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट आपने देखा है तो आपकी हेडिंग हो जाएगी रोड एक्सीडेंट या फिर रोड एक्सीडेंट। अब आपसे कुछ कहा नहीं कि किसके बीच में हुआ, तो यहाँ पूछा वेयर कहाँ हुआ है, वेन कब हुआ है, कैसे हुआ है, डिड द एक्सीडेंट हैपन, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है आपको बताना है, कहाँ पर कब और कैसे हुआ है, पीपल कौन कौन, मतलब आप चाहें तो कार ट्रक के बीच में करवाइए एक्सीडेंट, बाइक के बीच में करवाइए, आप पर डिपेंड करता है। पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, कितने लोग थे, कितने व्हीकल इन्वॉल्व थे, 2, 3, 4, 5, लॉस ऑफ लाइफ, कितने जो है लाइफ की लॉस हुई। देन प्रॉपर्टी, जो कि वहाँ पर नुकसान होता है प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वो कितना नुकसान हुआ, व्हीकल्स को कितना नुकसान हुआ। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, आपको सीन को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर कि क्या क्या घटना घटित हुई थी, सब पास्ट टेंस में आएगा, ये बात याद रखना है, पैसिव वॉइस यूज कर लेना कि द इंजरियस पीपल वर टेकन इनटू द हॉस्पिटल, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ये इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज किया गया, आपको कैजुअल्टी जनहानि बताना है, डेथ बताना है, कितने लोग मृत्यु हुई। जो छोटी जो छोटे साधन होते हैं, मान लो ये कार है और ट्रक में का एक्सीडेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कार के जो ड्राइवर वगैरह वो हो सकता है कि डेथ हो जाए, तो इनकी आपको डेथ बता देना है। और इसके बाद में कंक्लूड विद द नेग्लिजेंस ऑफ द कम्यूटर सजेशन, फिर वहाँ पर जो भी लोग आते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस ही आती है, तो आपको बताता है कि आपको अपनी जो स्पीड वो कंट्रोल करके चलना चाहिए, तो वो वाला पॉइंट कंक्लूडिंग पॉइंट लिखकर आपको जो है समाप्त करना है। आई होप आप इसको लिख लेंगे, लेकिन नहीं लिख पाते हैं देन अगला वीडियो इसी के ऊपर हम लेके आएंगे कि आपको रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट कैसे लिखना है। यदि आपको किसी और टॉपिक पर रिपोर्ट कैसे लिखना है ये सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में यदि आपकी कोई क्वेरी है, मेरे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, अभी शायद हमारा पैनल हैंग हो चुका है, कोई इशू नहीं है, तो आप जो है दीपक जायसवाल 970 इंस्टाग्राम पर मुझे DM करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें क्वेश्चन दिए हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अलग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।